आप आराम से हिला सकते हो। ये है ना, ये वही सेलर है, करके बता देता हूँ। देखो 15x15 दिया है, तो ये अपनी। हेलो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं मम्मी गार्डन चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आज हम हमारे खुद के गार्डन की बात करने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पर क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं ग्रो बैग से रिलेटेड। ग्रो बैग कैसा चलता है, क्या ख़राब हो जाता है, कितने दिन चलता है। लगभग हमारे पास में 6-7 महीने से ऊपर इन ग्रो बैग्स को हो चुके हैं। और यदि आप हमारी वीडियोज़ देखते रहते होंगे तो आपको हम बता दें कि हम इनको बार बार इनकी जगह चेंज करते रहते हैं। अभी बहुत अच्छी ये कंडीशन में है सारे ग्रो बैग, और आपको चारों तरफ ग्रो बैग ही ग्रो बैग नज़र आएंगे। और हमने काफ़ी बड़े बड़े इनके अंदर पेड़ लगाए हुए हैं, जैसे कि आम का हमने इनमें पेड़ लगाया हुआ है, इधर हमने अंजीर के, नींबू का, अमरूद का, और ये देखिए इधर की साइड केले का हमने काफ़ी बड़ा पेड़ लगाया हुआ है। तो ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लगाई हुई है। और हम जो मेथी वगैरह उगाते हैं वो भी इन ग्रो बैग्स के अंदर हम उगाते हैं, और इन ग्रो बैग्स की हम बहुत ज़्यादा जगह चेंज करते हैं। तो अभी तक तो किसी भी एक ग्रो बैग में ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रो बैग फट गया हो या फिर कुछ भी है, किसी में पानी की कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं है ग्रो बैग्स के अंदर। इसलिए हमने और भी ग्रो बैग मंगाए हैं, और मैं आपको उस साइड भी दिखाना चाहूँगा। सामने भी हमारे पास में पूरी एक लाइन है ग्रो बैग की। आपको ग्रो बैग लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कौन से प्लांट के लिए कौन सा ग्रो बैग चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि सब ग्रो बैग अलग अलग साइज़ के हैं, तो जिस प्लांट को जितना बड़ा ग्रो बैग चाहिए उस हिसाब से हमने इनको लगाया हुआ है। इनमें कोई वेट नहीं होता, तो सिर्फ जो वेट है वो अंदर मिट्टी का ही वेट है, जो हमारा सॉइल मिक्स है, उसके अलावा इनका खुद का कोई वेट नहीं है। तो आप आराम से हिला सकते हो। इसकी जो लाइफ है प्लास्टिक की वो मुझे कहीं हद तक कम लगती है, और शाइनिंग भी चली जाती है इनके ऊपर से। तो देखिए सीमेंट का जो पॉट है वो अपने आप में बहुत वजन होता है उसके अंदर। मेरे हिसाब से तो टेरेस गार्डन के लिए हमें जो ग्रो बैग यूज करने चाहिए वो यही वाले ग्रो बैग यूज करने चाहिए। तो दोस्तों हमने फिर से ग्रो बैग मंगा लिए हैं क्योंकि मुझे इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया लगा। तो मैं आपको बताऊँ, देखो पैकिंग वगैरह भी कितनी बढ़िया आती है इसकी, बिल्कुल एकदम थैले में ये हमको पैकिंग करके भेजते हैं, बिल्कुल इन्होंने सिल के इसको भेजा है। तो दोस्तों हमें जो ये ग्रो बैग है वो सेलर ने भेजे हैं, मैं सेलर का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। जो हमारा जो ग्रो बैग को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, हमने 2-3 सेलर से हमारे पास ग्रो बैग मंगाए थे, तो इसलिए रिव्यू के लिए ग्रो बैग आते रहते हैं। तो यदि ये जो ग्रो बैग है इनकी मैं बात करूँ, तो ये जिस सेलर ने भेजे हैं ना, ये वही सेलर है जिसके हमारे पास ये 80 ग्रो बैग के लगभग हमारे पास हैं। तो उसने हमको दोबारा भेजे हैं ग्रो बैग। तो पहले तो हमने खरीदे थे, लेकिन इस बार हमको जो ग्रो बैग भेजे गए हैं एज ए रिव्यू भेजे गए हैं कि ये अब हमारे ग्रो बैग कैसे हैं आप बताइए। 5 ग्रो बैग हमको 12x12 के भेजे हैं, 15x15 के भी 5 ग्रो बैग हैं हमारे पास में। तो मैं सबको खोल देता हूँ। तो क्वालिटी की यदि मैं बात करूँ ना आपसे, तो क्वालिटी मुझे अभी भी वही लग रही है। मैं आपको कंपेरिजन भी करके बता देता हूँ। देखो 15x15 का ग्रो बैग कौन सा था, तो ये जो ग्रो बैग है ना, ये 15x15 का ही है, और ये वाला भी 15x15 का है। तो देखिए आप, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है ग्रो बैग में, अभी भी वैसा ही है ग्रो बैग। देखिए इन्होंने ये टैगिंग भी करना शुरू कर दिया है, पहले ऐसी चिट भेजते थे, अब टैगिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी सेलर से ग्रो बैग लीजिए, कि आप किसी भी सेलर से ग्रो बैग लीजिए, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी इनमें वैरायटी आ रही है। क्योंकि पूरा जो खेल है वो इस मोमजामे का और इस सिलाई का है, तो जो बढ़िया से बढ़िया सिलाई करके देगा वही ग्रो बैग आपका चलने वाला है। मैं इनकी रेट लिस्ट भी आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से इनकी रेट लिस्ट को देख सकते हैं। और यदि कोई और सेलर भी मुझे ग्रो बैग भेजेगा तो मैं आपको उनकी भी क्वालिटी कंपेरिजन करके आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में क्या अंतर है। और दोस्तों यदि मुझे लगेगा कि मेरे पास, क्योंकि अब जगह तो है नहीं है लगाने के लिए, तो ये मेरे वैसे भी ग्रो बैग कुछ काम नहीं आने वाले हैं, तो कुछ थोड़े बहुत तो मैं इसमें से काम में लूँगा, और कुछ हो सकता है कि मैं कुछ ग्रो बैग किसी को गिफ्ट भी कर दूँ। तो गिफ्ट में किसको करूँगा, मेरे सब्सक्राइबर्स को ही करने वाला हूँ। कोई एक ऐसा तरीका निकाल लेंगे जिससे कि मैं आपको इनको भेज सकूँ कोई भी, तो उस हिसाब से मैं आपको इनको भेज भी सकता हूँ। तो आप 12x12 में आराम से कोई भी फल का पौधा लगा सकते हैं, मिर्ची टमाटर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमने लगाया हुआ है। 15x15 में तो आप टमाटर के भी 2 पौधे लगा सकते हैं, बैंगन के 2 पौधे लगा सकते हैं, इस तरीके से आप आराम से इनमें सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। आपको ग्रो बैग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई है ग्रो बैग की। और कहीं से भी हमको ग्रो बैग मिलते हैं हम परचेज भी करने की कोशिश करेंगे ग्रो बैग कंपेरिजन के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको ऐसी ही वीडियोज़ पसंद है तो मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।